सो वेल हेलो गाइस आउट देयर, दिस इज मी तुषार श्रीवास्तव वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। और आज के दिन एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक को आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि आप में से कई लोग हैं जो कि स्टूडियो बनाना चाहते हैं, तो मैं आप सभी के लिए एक अच्छे बजट में, एक सही यानी कि एक कम बजट में आपको कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं और आप एक अच्छी क्वालिटी को और बढ़िया क्वालिटी को बल्कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपने अच्छे वोकल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अच्छी मिक्सिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कोई बंडल रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फोकसराइट का बंडल। हाँ, फोकसराइट भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, आप में से कई लोग हो सकता है ऑलरेडी यूज़ भी करते होंगे, पर जिनको लेना है मैं उनको सही चीज़ बताऊंगा। अलग अलग चीज़ें हमको लेनी है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कम से कम रुपए में अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो वो क्या लेनी है, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको एक्सपेंसिव लग रही है तो इसका मतलब आपको रुकना चाहिए और आपको रुक के थोड़े से पैसे इकट्ठे करना चाहिए, फिर आपको कोई भी इक्विपमेंट लेना चाहिए। बिकॉज मैं मिनिमम रेट में वही सारे इक्विपमेंट्स बताऊंगा जो कि अच्छे होंगे, उससे सिर्फ रुपए के चक्कर में आपको खराब इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ गाइस। तो चलिए बिना देरी को करते हुए चालू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑडियो इंटरफेस की। तो ऑडियो इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑडियो इंटरफेसेस हमारे बजट में आते हैं जो कि 10,000 के आसपास आते हैं, लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करने वाला हूँ वो है वन ऑफ द बेस्ट, जिस जो कि है ऑडियंट का ID4, ठीक है। वो आपको वन चैनल का मिलेगा जिसमें आप एक माइक कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो DI इनपुट है, फिर जो उसके प्रीएम्प है, जो उसके कन्वर्टर्स हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे और जिससे आपकी जो रिकॉर्डिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा रुपये और डाल पाएँ और आप थोड़ा सा भी अगर देखें तो आपको एक और UAD का ऑडियो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि वोल्ट करके आता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बल्कि उसके अंदर आपको दो एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि है कंप्रेसर एंड प्रीएम्प, यानी कि EQ थोड़ा सा वो कलर्स ऐड कर देता है हमारे वोकल्स के अंदर जो भी हम इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं माइक्रोफोन के थ्रू, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आप वोल्ट लेना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है UAD के, उसके साथ में आपको काफ़ी चीज़ें फ्री भी मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर्स और काफ़ी अच्छे प्लगइन्स भी आपको उसके साथ में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ऑडियो इंटरफेसेस है, इसके अलावा मैं आपको फोकसराइट वगैरह सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज उसी रेंज में थोड़ा सा ऊपर नीचे में आपको और अच्छे ड्राइवर्स, आपको और अच्छे कन्वर्टर्स वाले जो ऑडियो इंटरफेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं माइक्रोफोन की तरफ, बिकॉज माइक्रोफोन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट हो जाता है हम सभी के लिए, स्पेशली बिकॉज हमको जो भी प्रोडक्शन करना है उसमें एट लास्ट हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्डिंग्स करनी है, चाहे हमारे इंस्ट्रूमेंट की बात हो चाहे हमारे वोकल्स की बात हो, हमको क्या करना है, रिकॉर्डिंग्स को करना है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे माइक्रोफोन्स के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ। अब अगर माइक्रोफोन के ऊपर बात करूँ तो आप सबको पता होगा हर एक माइक्रोफोन का एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है जिसके हिसाब से आप लोग को माइक्रोफोन चूज करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में तो मैं आपको ज़्यादा इस बार इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो को कवर करूंगा, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के थ्रू आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि आपके आवाज़ में क्या कलर्स ऐड करेगा वो पर्टिकुलर माइक्रोफोन, यानी कि हाइज बेहतर देगा या फिर एक्यूरेट वही आवाज़ देगा, फ्लैट साउंड करेगा, क्या करेगा। अब अगर आपकी आवाज़ मोटी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ऐसा माइक्रोफोन चूज़ करें जिसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हाइज थोड़े से ज़्यादा हो, थोड़े से कलर्ड हो, जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छा ट्रेवल देखने को मिल जाए, वर्सेज आपकी अगर आपकी श्रिल आवाज़ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ऑडियो इंटरफेस लें जिसमें थोड़ा सा आपको लो एंड अच्छा देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप ऐसे कोई म्यूजिशियन हैं जो अपने साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिशियंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको ये वाला माइक्रोफोन जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है Rode NT1। हाँ दोस्तों, ये वाला माइक्रोफोन आप सबने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं ये वाला माइक्रोफोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब अगर हाई एंड माइक्रोफोन्स की बात करें तो बहुत सारे और भी माइक्रोफोन्स हैं, जैसे कि न्यूमन, और भी ज़्यादा ऊपर जाऊँ तो है मैनली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव माइक्रोफोन्स है, लेकिन आज हम लोग बजट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको एक ऐसा माइक्रोफोन लेना है जो कि आपके लिए ऑलराउंडर साबित हो, अब ऑलराउंडर यानी कि मैं मल्टी पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबसे इस बारे में बात कर रहा हूँ कि इस तरीके का माइक्रोफोन जो कि ऑलमोस्ट चाहे आप गिटार की साउंड रिकॉर्ड करें, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करें, चाहे कोई भी फीमेल वोकल्स या मेल वोकल्स को रिकॉर्ड करें, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर्स के वोकलिस्ट को रिकॉर्ड करें, आपको हर किसी में ओरिजिनैलिटी रिकॉर्ड होते हुए देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ आप उसके आगे की पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर यानी कि मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के अंदर उस चीज़ को अपने हिसाब से एनहेंस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा अगर कम से कम भी बजट है तो आप कम से कम Rode NT1 ले ही लें।
अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक और बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है जो कि है ऑडियो टेक्निका का AT2020 माइक्रोफोन। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो कि है माइक्रोफोन के ऊपर भी बातचीत कर ली है, हमारा ऑडियो इंटरफेस भी हो गया, हमारा माइक्रोफोन भी हो गया, अब हमारा क्या रह गया, हेडफोन्स। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं आपको वही बताऊंगा जो जरूरी है। अब हेडफोन्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको और कोई भी मॉडल हेडफोन नहीं लेना है, और बल्कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही लेना है। अगर नहीं ले सकते तो रुक जाइए, भले ही थोड़ा समय रुक जाइए, फिर से पैसे मतलब पैसों को इकट्ठा करिए और आप फिर खरीद सकते हैं जो कि है ऑडियो टेक्निका का M50X। हाँ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉनिटर हेडफोन है, चाहे हम बात करें जस्टिन बीबर की, या फिर हम इंडस्ट्री में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कहीं की भी बात करें तो उसको यूज़ करा जाता है। अब जो ये वाला मॉनिटर हेडफोन है ना, ये आपको बहुत एक्यूरेट साउंड देगा, बहुत एक्यूरेट साउंड देगा, जिसको आप सुन के बहुत अच्छी तरीके से बेस्ट अपने मिक्स को निकाल सकते हैं। बिकॉज इसके कम बजट में अगर हम देखें तो मोस्टली जितने भी मॉनिटर हेडफोन्स हैं वो आपको उस लेवल की क्वालिटी या उस लेवल की एक्यूरेसी नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग अगर अपने गाने को मिक्स करेंगे तो हो सकता है कि आप उस प्रॉपरली मिक्स को ना कर पाए, या फिर अगर आपने कर लिया है उसको बाद में अगर आप किसी और डिवाइस में सुने आफ्टर एक्सपोर्टिंग तो वो थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करे। तो इसलिए जो सुना जाएगा वही बनाया जाएगा, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए बोलता हूँ कि आप वो वाला मॉनिटर हेडफोन लें जो कि है ऑडियो टेक्निका M50X। बिकॉज मैं पर्सनली भी उसको यूज़ करता हूँ, और जब मैंने स्पीकर्स नहीं लिए थे यानी मॉनिटर स्पीकर्स नहीं लिए थे तो मैंने उसको यूज़ करा, उसको बहुत अच्छे से यूज़ करा, और उसके थ्रू ही मैं अपनी सारी स्किल्स को डेवलप कर पाया हूँ, और उसमें बहुत बड़ा हाथ है उस मॉनिटर हेडफोन का दोस्तों। अब क्योंकि ये बजट स्टूडियो की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं मॉनिटर स्पीकर्स आप सबको रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों, बिकॉज वो थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, और अगर आपने मान लिया कि ले भी लिया किसी तरह थोड़ा बजट करके तो आपको कम से कम 1.5-2 लाख रुपए मिनिमम अपने जगह के जो भी आपका स्टूडियो जहाँ पे आप डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे एकोस्टिक ट्रीटमेंट को देना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से बेस स्ट्रेस लगा के, लो फ्रीक्वेंसीज, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसीज, इन सभी के सभी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा दोस्तों। मॉनिटरिंग हेडफोन्स को यूज़ करना बहुत आसान है, बिकॉज वो डायरेक्ट साउंड है जो कि हम सुन पा रहे हैं, और हम कहीं पर भी बैठ के उससे मिक्स कर सकते हैं, गाने को सुन के प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें मॉनिटर स्पीकर्स की तो वो सही नहीं है, बिकॉज वो आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, और कहीं पे आप यूज़ करेंगे तो वो सही साउंड नहीं करेंगे और आप गलत मिक्स कर बैठेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑडियो इंटरफेस की बात कर ली, हेडफोन्स की बात कर ली, और यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली माइक्रोफोन्स की। इसके साथ साथ चलो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। आप कम से कम भी अगर यूज़ करें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर 8 GB का है रैम तो भी चलेगा, लेकिन 16 GB की रैम अगर है तो आप थोड़े से अगर थोड़ा सा हैवी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से बना पाएंगे, तो 16 GB रैम मैं रिकमेंड करूँगा आप सबको लैपटॉप्स के लिए या PCs के लिए। अब आप, मैं आपको बताऊं, 1 TB की SSD तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, ताकि क्योंकि SSD के अंदर आप प्रोजेक्ट्स रखेंगे, उसी के अंदर आप अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, और उसी के अंदर आप सारे अपने प्रोजेक्ट्स को सेव करेंगे, बिकॉज आप रन करेंगे तो एक SSD ही है जो आपको फास्ट रन करने में हेल्प करेगी दोस्तों। ठीक है, तो 1 TB SSD हो गई, 16 GB की रैम हो गई, ये दोनों चीज़ें मस्ट है। Ryzen 5 भी चलेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ Ryzen 7 हो। हाँ, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा सकता है हमारा जो कंप्यूटर है, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार अगर आप मान लीजिए कि चलो रैम तो आप बढ़वा लेंगे, लेकिन आपने Ryzen 5 ले लिया, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपका Ryzen 7 जा रहा था, बाद में आपके पैसे होंगे आप Ryzen 7 ले सकते हैं, लेकिन वो Ryzen 5 फिर आप नहीं चेंज करेंगे, बिकॉज उसको तो आप सेल कर नहीं रहे, है ना, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक अगर आप PC ले रहे हैं, एक लैपटॉप ले रहे हैं, या जो भी आप अपने डिवाइस ले रहे हैं, चाहे मैकबुक्स क्यों ना ले रहे हैं, आप एक बार में वैसा कंप्यूटर एटलीस्ट वैसा लें जिसको आप लंबे समय तक चला पाएं और यूज़ कर पाएं। बिकॉज म्यूज़िक में काम करना, म्यूज़िक को प्रोड्यूस करना और सॉफ्टवेयर को चलाना मतलब बहुत ईजी नहीं है, उसके लिए भी पावर चाहिए होती है, और आपके PC के अंदर अच्छी खासी पावर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करूँ, लाइक पॉप फिल्टर, शॉक माउंट की बात करूँ, और मैं आपकी बात करूँ माइक स्टैंड्स की बात करूँ, वायर्स की बात करूँ, XLR केबल्स की बात करूँ, तो ये सब जो कि आपके बजट में आ रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक अच्छा शॉक माउंट, इनफैक्ट अगर आप अपना रोड NT1 लेते हैं तो उसके साथ में तो आपको शॉक माउंट बहुत ही अमेजिंग उसका, और आपको पॉप फिल्टर भी साथ में देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आपको उसके साथ में बहुत ही लंबी अच्छी
अच्छी खासी लंबी और बहुत ही हाई क्वालिटी की केबल भी आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। अगर आप कोई और लेते तो आप अपने रेट के हिसाब से सस्ते में कोई भी बढ़िया सा आप केबल्स को इन सब चीज़ों को ले सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो से मैं होप करता हूँ कि आपके लिए सारी चीज़ों को मैंने कवर कर दिया है कि आप बजट में किस तरीके से अपने होम स्टूडियो को बना सकते हैं और किस तरीके से अपना काम को चालू कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इस सब को जानना चाहते थे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना कि किस तरीके से आप लोगों ने इसमें से कोई चीज़ ले रखी है या फिर कोई चीज़ को आप लेना चाहते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ जितने भी हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं और जो भी मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स लेकर आ रहा हूँ, आप सबको देखते रहिए, कुछ भी सीखने को मिलता है या कोई भी डाउट आते तो आप उसको बता सकते हैं कि ये डाउट और जो भी सीखने को मिलता है आप उसको अपने पब्लिक के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनली म्यूजिक प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हैं तो भी मुझे इस दिए गए फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 मंथ्स का प्रोफेशनल कोर्स देखने को मिल जाता है और डेफिनेटली अगर आप उस कोर्स को कर लेते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल काम को करने पाएंगे दोस्तों। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक टॉपिक्स को मिक्सिंग के ऊपर कवर करने वाले, तो बिल्कुल भी देरी मत करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर कर रखा है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप मेरे द्वारा जितने भी लेटेस्ट वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स को मैं लेकर आता हूँ उसको मिस ना करें। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।